देखिए दोस्तों, मशीन का जो है ना हाइड्रा क्लैंप से लीकेज हो रहा है। तो ये हाइड्रा क्लैंप सील इसको बोलते हैं, इसके अंदर में लगा होता है, इसको केपीसी हाइड्रा क्लैंप सील बोलते हैं। ये क्या होता है, ये लीकेज हो गया था इनका, तो लीकेज होने के बाद ये क्या किया, टेम्प्रोरी ये पाइप को जो ब्लॉक कर दिए थे चलाने के लिए, मशीन ब्रेक डाउन नहीं हो, खड़ा नहीं हो, और ऐसे करके मशीन चला रहे थे। तो ऐसे में क्या है, ज्यादा आपको मशीन चलाना नहीं, ज्यादा लोड वाला काम करना नहीं है, उसमें क्या होता है कैपेसिटी क्रैक हो जाता है। तो अभी आए अपने इसका सील को चेंज करेंगे। तो सील को चेंज करने का बहुत ही अलग अलग तरीका से उसको चेंज करते हैं, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग आइडिया, अलग अलग तरीका है इस सील को चेंज करने का। आज मैं आपको बताऊंगा अपने तरीका से, अपने स्टाइल से इस सील को कैसे चेंज करेंगे। इनका नीचे वाला सील लीकेज हो रहा है, ठीक। क्या होता है कि ये पुराना मशीन है और ये जाम हो जाता है बहुत सारे मशीनों में, ये जो है ना केपीसी का बोल्ट जो है जाम हो जाता है, खुलता नहीं है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कैसे खोलेंगे उसको, आइडिया नहीं होने की वजह से क्या होता है ना बाद में फंस जाता है। इसको खोलने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, और सील कैसे चेंज करेंगे वो भी बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले इसको पोजीशन में रख लेते हैं, यदि बाय द वे नहीं खुला, बोल्ट वगैरह कटिंग करना पड़ा, तो फिर काम फंसे नहीं। तो अपने क्या करेंगे, सुविधा के हिसाब से कैपेसिटी को इधर साइड की ओर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक। साइड में शिफ्ट करके ही उसको जो है ना खोलने का स्टार्ट करेंगे। अगर किसी कारण से बोल्ट नहीं खुला तो काम अटके नहीं, काम फंसे नहीं, ठीक, उसको कटिंग करके निकाला जा सकता। तो ये देखिए पीछे का केपीसी को कैसे अपने शिफ्ट करते हैं, उसका ये तरीका है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका से केपीसी को शिफ्ट करते हैं। अंदर में इसका लीवर है, वो तो लीवर को ऑपरेट करने के बाद जो है ना ये लूज हो जाता है केपीसी। और अभी देखिए, अभी ऐसे वहाँ पे ऐसे फंसा करके और इसको खींचेंगे, पूरा अप डाउन अप डाउन होकर के जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा अपने जगह पे जहाँ पे हमको चाहिए। ये देखिए बहुत ही आराम से, ये देखिए, और थोड़ा और थोड़ा और बस बस ये अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया। अभी क्या है, वहां से बोल्ट को अपने निकाल पाएंगे आराम से यदि किसी भी कारण से, ठीक, अब वो बोल्ट चेंज करना पड़ा। ये देखिए इसका पीछे में यहाँ पे जगह दिया हुआ है, इसी स्पेस से आप जो है ना बोल्ट को बाहर कर पाएंगे, ठीक। चलिए अभी इसको मशीन को लेके चलेंगे अपने जगह पे, ये शिफ्ट करने के लिए अपने अलग जगह में लेके आए थे, और अभी यहाँ काम करना है उस जगह पे इसको लेके जाएंगे मशीन को। तो देखिए इसको खोलने के लिए ना यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, वो लॉक को सबसे पहले थोड़ा ये कर देते हैं, छोड़ा देते हैं। लॉक वाशर है जो कि दिया होता है नट वाइब्रेशन से खुले नहीं, ठीक। इसको आप छेनी से, पेचकस से, जिसे भी हो इसको अनलॉक कर देंगे। और बहुत ही आसान तरीका से भी मैं आपको बताऊंगा बोल्ट कैसे खुलेगा, बोल्ट आपका फंसेगा नहीं, ठीक। और देखिए जब भी आपको खोलना हो ना केपीसी, ऊपर ऊपर रखा हुआ है 19 नंबर। देखिए ये बोल्ट को खोलने से पहले जो है ना यहाँ जो लगा हुआ है होस पाइप, ये होस पाइप को जरूर खोल लेंगे, ये तो क्या होता है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होके रहेगा, और बोल्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होने से क्या होता है ना ये खुलता नहीं है। तो देखिए जैसे ही अभी इसको खोले, इसके अंदर का जो भी हाइड्रोलिक ऑयल था सब रिलीज हो गया, और अभी ये आराम से खुलेगा बोल्ट। यदि खोलने से पहले ये मैं प्रेशर रिलीज नहीं करता है, ठीक, यदि ये प्रेशर रिलीज नहीं होता तो ये बोल्ट खुलता नहीं, काफ़ी जोर का प्रेशर इसमें लगा रहता है। और अब भी अपने ये बोल्ट को खोल लेंगे, आराम से खुलेगा, ठीक। देखिए इसको खोलने के लिए ऐसे 55 नंबर का सॉकेट, गोटी सॉकेट इसको बोलते हैं, ठीक, ये 55 नंबर का यूज होता है इस जगह पे।
और बहुत ही आराम से खुलेगा। बैक साइड में इसका लॉक होता है, अभी लॉक में वो जाम हो गया और अभी ये आराम से खुल रहा है। देखिए यहाँ जो वाशर जो था, वाशर अभी फंसा हुआ है, वाशर को निकाल देंगे, लॉक वाशर था। ठीक, तो देखिए इनका जो है ना, इसको हाइड्रा कलम सील बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो यही सील है और ये हाउसिंग है। तो अभी अपने क्या करेंगे, ये हाउसिंग को भी चेंज करेंगे और सील को भी चेंज करेंगे। रीजन क्या है, ये मशीन काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना होने की वजह से इसका जो सील एरिया, हाउसिंग का जो सील एरिया जहाँ पे वो सील बैठता है, वो एरिया डैमेज हो गया होगा। ये हमारा बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यदि ये हाउसिंग को अभी चेंज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, सील चेंज कर दिए, हाउसिंग वही पुराना रह गया, तो कुछ दिन चलने के बाद क्या होता है ना, फिर वो दोबारा लीकेज हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन में फिर आपका सील डैमेज हो करके और ये लीकेज चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को सेफ्टी के लिए अपने क्या करते हैं, इसका हाउसिंग को भी चेंज करेंगे। रीजन यही था, ये पुराना मशीन, पुराना मशीन होने की वजह से क्या होता है, इसका सील जहाँ पे बैठता है वो एरिया जो है ना खा जाता है। चलिए आपको नया वाला दिखाता हूँ, नया हाउसिंग, ये अपना नया हाउसिंग है और ये सील है। चलिए इसको बाहर करते हैं, है ना। तो ये देखिए इनका ये सील है, ये दो पीस में होता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। ठीक, मेन सील का काम ये करता है और ये इसका गाइड है, यदि ये गाइड नहीं हो तो सील डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे दो सील का कॉम्बिनेशन इसको बनाया जाता है। और इसका प्राइस देखिए, इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 2448 रुपया, 2484 रुपया इसका प्राइस है। और ये हाउसिंग का जो है ना, हाउसिंग का प्राइस देखिए 2535 रुपया। ठीक, हाउसिंग को अपने बाहर करते हैं, ठीक है, बंद करो, बंद करो। अरे उधर का हम कौन हो गया, ये आओ उधर साइड का, इससे हुआ था वहाँ हाथिया में वाला, समझे। अरे और आया चले देखा, कुछ नहीं पाया पता चला गया, कैसे करेंगे, हाँ ऑलरेडी गलत है। तो ये देखिए इनका ये हाउसिंग है, नया वाला हाउसिंग। पुराना हाउसिंग में क्या होगा ना, ये एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पे डैमेज हो जाता है, खा जाता है। ये दो कारण से डैमेज होता है, एक होता है पुराना हो गया और दूसरा क्या होता है ना, हाइड्रोलिक ऑयल जो है काफ़ी पुराना हो जाने से तो रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर बन जाता है, वाटर, वाटर के बनने की वजह से ये जंग लग करके एरिया पूरा खा जाता है। केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोलिक और काफ़ी पुराना, बहुत ही दिन से इस जगह पे अगर कोई ऑयल जम के रह जाता है तो केमिकल रिएक्शन के वजह से इस जगह पे वाटर जम जाता है, वाटर जमने की वजह से इस जगह पे पूरा जंग लग जाता है, जंग लग करके ये डैमेज हो जाता है। तो अभी पुराना वाला को अपने निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ नया फिटिंग करेंगे। चलिए इसका फिटिंग का तरीका आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको फिटिंग से पहले क्या करते हैं, थोड़ा इसको ग्रीस करना होता है, थोड़ा ये मुंह पे ग्रीस करेंगे और थोड़ा ये सील के ऊपर ऐसे ग्रीस करना है। ठीक, ये ग्रीसिंग बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सील आपका डैमेज हो जाएगा, सही ढंग से फिटिंग होगा नहीं। और इस एरिया में भी आपको ग्रीस करना ज़रूरी है। ठीक, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है भाई, जिसका जो आइडिया हो आप सब अलग अलग आइडिया से अपना फिटिंग करते हैं, लेकिन हमारा आइडिया कुछ जो भी है, हमारा जो अलगा नहीं बोलेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है जैसा हम फिटिंग करते आए हैं। ठीक, बाकी लोगों का नहीं बता सकता हूँ। देखिए सील इतना जाने के बाद आपको क्या करना है,
ये जो इसका गाइड जो है, ये गाइड को इसके ऊपर रख करके फिर उसको आपको बैठाना है, ठीक। अगर पहले ही सील को आप पूरा अच्छी तरह से बैठा देंगे तो गाइड अपने जगह पे बैठेगा नहीं, इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। ये देखिए अपने जगह पे अभी बैठ गया, पूरा अच्छी तरह से लेवल में आ गया। अब इसको उस जगह पे टाइट करेंगे जहां पे ये फिटिंग था। तो इसको फिटिंग के टाइम में भी इसका कुछ सावधानी रखना है, चलिए फिटिंग के टाइम में आपको बताएंगे। इसको पहले फिट करते हैं, क्या सावधानी रखना है उस समय उस जगह पे आपको बता। तो अभी देखिए फिटिंग के समय में क्या करना है, ये कट दिया हुआ है, ये कट जो है ऊपर की ओर होगा, इस जगह पे आकर के लॉक हो जाता है, ठीक। और इसको इसके अंदर अभी डाल देंगे, और जो इसका वाशर जो था, वाशर को लगा कर इसका नट को लगा देना है। ये वाशर देखिए ऐसे लगेगा, ये यहाँ पे आकर के इसके साथ ये घाटी में लॉक हो गया, और ये ऐसे, ठीक। चलिए अभी इसको टाइट करेंगे सॉकेट से, जो 55 नंबर का सॉकेट था, सॉकेट हैंडल। इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है आपको, उतना जगह इसमें छोड़ना पड़ेगा जितना कि के सील अंदर बाहर खेल सके। ये सील का काम क्या है, ये जितना जोर से बकेट जो है ना कटिंग के लिए जो ये करेगा, जितना ज्यादा ताकत लगाएगा ये उतना ही जोर से यहाँ पे चपक जाएगा। इसका काम वही है, क्लैंप की तरह यहाँ पे वो चपक जाता है, ठीक। आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ना पड़ेगा इसका मूवमेंट के लिए, ठीक, जो कि स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा इसके साथ में। बंद करो, छोड़ना पड़ेगा। अभी स्टार्ट होने के बाद फिर अपने जगह पे टाइट हो जाएगा, फिर पोजीशन देख करके कितना टाइट करना है वो देखेंगे अपने, ठीक। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो रमेश जी मशीन स्टार्ट कीजिए। मशीन टाइट स्टार्ट होने के बाद अभी क्या होगा ना, यहाँ से सील थोड़ा बाहर की ओर आएगा और ये अपने आप लॉक हो जाएगा। इसका सिस्टम यही है, थोड़ा लोड दीजिए बकेट पे ऊपर नीचे, बूम उठाइए। चल रहा है, बस ये देखिए अभी ये इतना तो बाहर निकल गया, ठीक। अभी देखिए ये जो हिल रहा था अभी ये नहीं हिलेगा, ये पूरा जाम हो गया इसके साथ में, ठीक। और अभी ये जो लॉक था लॉक को लॉक कर देंगे, और मशीन को जहाँ शिफ्ट करना था मतलब ये कैपिस हाइड्रा को देखो, केपीसी को अपने जगह पर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक।